तो अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने आंगन को, अपने नाम को, अपने गोत्र को, अपनी जात को, सबको छोड़ के आती है कि नहीं? आपके गले से बंध गई अब वो, आप जो नाम देते हैं वो उसका नाम पड़ता है, ससुराल में अलग नाम पड़ता है। आज से उसकी जात वही है जो आपकी जात है, आज से उसका धर्म वही है जो आपका धर्म है, आज से उसने अपने धर्म को, अपनी जात को, अपने सुख को, अपनी स्वतंत्रता का परित्याग कर दिया, दान कर दिया, श्राद्ध कर दिया, समाप्त कर दिया। आज से वो केवल आपकी हो गई और आपके चरणों में समर्पित एक नारी को आप पांव की जूती कहें, आपके चरणों में समर्पित, अरे भगवान के चरणों में कोई समर्पित हो जाता है ना, भगवान उसे हृदय से लगा करके ना जाने कहां का राजा बना देते हैं, और आप अपनी नारी को पांव की जूती बना दिए। बताइए, ये सम्मान है आपका नारियों के प्रति? ये इज्जत है आपके अंदर नारियों के प्रति? ये तो गलत है। नारी और पुरुष दो नहीं है, भगवान ब्रह्मा के शरीर के एक अंग से नारी और एक अंग से पुरुष का जन्म हुआ, तो नारी और पुरुष बराबर हैं। यदि 50% ये है तो 50% ये है, कोई 51 नहीं है, 51 नहीं है, और कोई 49 नहीं है, 50-50 है। हाँ जी, नारी अनेक रूप में, इसलिए जिनकी जिनकी नारी मर जाती है ना, 50 साल की उम्र में जिसकी पत्नी मर जाती है ना, उससे पूछो कि अब घर कैसा चल रहा, वो बताएगा, बढ़िया व्याख्या करेगा। नारी क्या चीज है, नारी का क्या महत्व है जीवन में? जिसकी नारी मर गई है, आपके सुठालिया में जाके पूछना उस आदमी से, जो 50 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में जिसकी लुगाई मर गई है, उससे पूछना कि अब आपकी जिंदगी कैसी चल रही है। ना वो हंस पा रहा है, ना वो रो पा रहा है। काम करके आता है तो कोई गिलास भर पानी नहीं देता। ये तुम्हारी पत्नी है, तुम भले उसे लाते मारो, भले उसे गालियां दो, पर गिलास भर पानी देती है, तुम्हें आदर करती है, तुम्हारा सम्मान करती है। मर जाएगी ना, पता चल जाएगा कि नारी की कीमत क्या थी। जिंदा है ना तो उसकी वैल्यू नहीं है। जो वस्तु हमारे पास होती है ना, हमें उसका महत्व नहीं पता होता, उसकी कीमत पता नहीं होती। जब वो वस्तु हाथ से चली जाती है ना, तब उसका हमें पता होता है कि इसका महत्व क्या था, इसकी कीमत क्या थी। ये रिश्ते जो है ना, मैं आपको फिर निवेदन करूं, रिश्ते भगवान बनाकर भेजता है। पति पत्नी का रिश्ता कोई हम और आप नहीं बनाते। लोग कहते, कई बार पुरुष कहता है कि हमारी तो और अच्छी जगह शादी हो जाती, तुम गले ना पड़ती। तो ऐसा नहीं है, जन्म विवाह मरण गति होई, और जहां जस लिखा तहां तस होई। जिसका विवाह जब लिखा है, जिसके संग लिखा है, होकर रहेगा। मृत्यु जहां लिखी है होकर रहेगी। इन चीजों को टालने वाला कोई नहीं है, विधाता नहीं टाल सकते। हम और आपकी तो छोड़ दो। तो जो आपकी पत्नी है वही आपकी संगनी है, इसलिए आदर करिए, सम्मान करिए, प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजारिए, बहुत प्रेम से जीवन गुजारिए। घृणा ना करिए, द्वेष ना करिए, झगड़ा ना करिए। कई बार ना रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं, शादियां होती हैं, खून गर्म दोनों का होता है, पत्नी भी 50,000 रुपए कमा रही है, पति भी 50,000 कमा रहा, दोनों सरकारी नौकरी में है। अब पति ने एक दिन बोला, यहाँ आओ, ये क्यों किया तुमने? अब पत्नी को गुस्सा आ गया, क्यों? हम भी तो कमाते, हमें बातें मत सुनाया करो, हमें कुछ कहा मत करो। अरे भाई, पैसे कमाना अलग बात है, रिश्ते निभाना अलग बात है। ऐसी अकड़ से रिश्ते निभेंगे नहीं, जल्दी टूट जाएंगे। रिश्तों में लचीलापन होना चाहिए, अकड़ नहीं रखनी चाहिए। रिश्तों में सुनना भी पड़ता है मेरी माँ, कभी पुरुष को सुनना पड़ता है, कभी स्त्री को सुनना पड़ता है। जिसको सुनना आ गया उनको रिश्ता निभाना आ गया, जिनको सुनना नहीं आया, जिनके अंदर सहनशीलता नहीं है, वो रिश्तों को नहीं निभा सकते। जिनके अंदर सहनशीलता है वो रिश्तों को आगे ले जा सकते हैं। संस्कार, द चैनल ऑफ इंडिया, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत।